आधी जिंदगी पार करने के बाद ये लोग जुर्म के धंधे में उतरे थे और लगे थे ड्रग्स का कारोबार करने, लेकिन कानपुर देहात की एक्टिव पुलिस ने इनके काले कारोबार पर ब्रेक लगा दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी गांजे की तस्करी में शामिल पाए गए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 4 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 80 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की जा रही बाइक भी बरामद की। कल रात चेकिंग के दौरान पटेल चौक पर लगभग 2 बजे के करीब हमारी टीम सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। वहां पर 3 जो व्यक्ति पकड़े गए उसमें इनके पास से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ मिला, जिसकी मात्रा लगभग 4 किलोग्राम है। इनके ऊपर मुकदमा 257/2022 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और इनके ऊपर FIR दर्ज करके इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। गांजा तस्करी का ये मामला कोतवाली भोगनीपुर के पेटल चौक का है। दरअसल SP के निर्देश पर जिले में पुलिस एक्टिव हुई, बैरिकेडिंग करके संदिग्धों से पूछताछ की ताकि उस दौरान इन पर शिकंजा कसा जा सके। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं, साथ ही ये लोग गांजा कहां से लाते थे और इनके ग्राहक कौन थे, सब पता लगाया जा रहा है ताकि कानपुर में सक्रिय इस ड्रग्स तस्कर गिरोह पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके। पकड़े गए गांजे की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।